ये वाला, ये वाला। कहाँ है ये? जा रहा है, पकड़ो। हाँ यही था। तू आओ हो से, तू आए नहीं तो देर ना आए। दोनों दे दे, तोड़ दे दे। दोस्तों मुर्गा मिल गया है देसी, तो इसको एकदम देसी स्टाइल से बनाएंगे और ईंटे के चूल्हे बनाएंगे, एकदम चूल्हे बनाएंगे देसी तरीका से। इस पर गैस पे नहीं बनाएंगे, एकदम देसी मुर्गा है तो देसी तरीका से बनाएंगे। तो चलते हैं इसको साफ कराते हैं, उसके बाद लेकर चलते हैं घर। इसको पकड़ने में बहुत समय लग गया, ताकि ये खुला में घूमता है हमेशा, तो इसीलिए ज़्यादा समय लग गया इसको पकड़ने में। तो इसका जो है प्राइस मांग रहे थे 800 रुपया, तो हम कहा भाई 800 तो नहीं दे पाएंगे हम, तो ये 500 रुपये हमको मिला है। तो ठीक है 500 रुपये में, तो चलते हैं इसको साफ़ कराते हैं और मसाला वगैरह सब तैयार करते हैं। तो घर पे ज़बरदस्त चूल्हे भी बनाएंगे। निकालो निकालो, तो आ गए इसको साफ़ कराने के लिए अभी हम। बनाओ बढ़िया बनाओ। तो दोस्तों चिकन साफ करा के लेकर चले आए घर पे, तो चिकन को हम धुल भी लिए हैं। ये देखिए लेग पीस कितना बड़ा है, और सब लाल पीस है, जैसे खसी का गोश्त है उस तरह है। तो एकदम देसी स्टाइल बनाएंगे, भगोला धुल के इसमें मिट्टी भी लगा लिए हैं। तो मसाले हम ले लिए हैं, इसमें धनिया लिए हैं थोड़ी सी, हम हल्दी लिए हैं, आप ना डालें तब भी चलेगा। चिकन मसाला ये तो हम लिए हैं करीब जो है 13-14 ग्राम। ये खड़े मसाले हैं, इसमें सारे खड़े मसाले जो भी आपके पास हो। और इसमें लिए हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसको हम गिलास में कूटेंगे, इसको भी गिलास में कूट के रखेंगे अलग, इसको भी गिलास में कूट के रखेंगे अलग। और टमाटर काट लिए हैं, इसको पहले गिलास से कूट लेते हैं सब, तो तैयार कर लेते हैं। तो पीछे चल के बनाएंगे चूल्हे पे, अभी ईंटा का चूल्हा भी बनाना है, तो इसको फटाफट हम गिलास से कूट लेते हैं, खड़े मसाले और अदरक लहसुन हरी मिर्च। तो खड़े मसाले तो रेडी हो गए, इसको निकालते हैं छोटी कटोरी में। ये सारे खड़े मसाले कूट लिए हैं, इसको रखते हैं साइड में, इसको भी कूट लेते हैं इसी गिलास में हम। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च को भी कूट लिए हैं, खड़ा मसाला कूट लिए थे। ये जो पिसा मसाला में थोड़ा इसमें पानी डाल के छोड़ देंगे कि ये बढ़िया से मसाला फूल जाए। इसका एक घोल बना लेंगे मसाले का हम, तो इसमें जो है फूला रहेगा तो और मज़ा आएगा जो है मसाला भूनने में, ताकि इन्हें तो पानी नहीं डालेंगे जल जाएगा, इसलिए पानी पहले डाल दे रहे हैं इसमें कि बढ़िया से फूला जाएगा। इसमें आए हैं लहसुन ले जाने, इसमें लहसुन भी लेंगे हम, तो घर का लहसुन है, ये टांग दिया जाता है ख़राब ना हो, तो खड़ा लहसुन डालेंगे, इसलिए यहाँ से पोटी ले जाएंगे। ये ले लिए इसको, लहसुन को पहले करेंगे साफ। तो प्याज भी काट लिए हैं, इधर प्याज भी हमारा कट गया है, लहसुन को कर लिए हैं साफ, इधर रखते हैं। सारे मसाले हमारा रेडी हो गया है, तो चलते हैं बनाते हैं। तो दोस्तों आ गए अपने चूल्हा के पास, ये बना लिए चूल्हा, ये ईंटे का चूल्हा है, इसमें लगा दिया लकड़ी, थोड़ा पंखा चला देते हैं कागज़ से, तो बढ़िया से लग जाए लकड़ी। देखिए आग झकाझक जलने लगी, और इस पर लगाएंगे अपना भगोला जो मिट्टी लगाए थे इसमें। तो दोस्तों लगा दिए भगोला, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। भगोला हमारा एकदम गरम हो गया था, देखिए तुरंत तेल भी आ गया गरम। तो डाल दिया तेल, अब तेल को करेंगे गरम बढ़िया से। और तो तेल हमारा हो गया, इसमें डालेंगे जीरा, तो थोड़ा लकड़ी और लगा दी इसमें, ये मैच खेलने वाला किल्ली है, इसको भी लगाएंगे। तो जीरा हमारा हो गया एकदम, इसमें खड़े मसाले जो कूट के रखे थे ये भी जाएगा, और इसमें जाएगा तुरंत प्याज। प्याज को बढ़िया से भूजेंगे हम इसको, खुशबू चालू हो गया, ताकि खड़े मसाले इसमें तेल में डाल दिए तुरंत खुशबू आ गया। प्याज को बढ़िया से गलाएंगे और भूजेंगे फिर इसी में। तो प्याज को बढ़िया से हम इसे पकाएंगे और भूजेंगे भी साथ में, और प्याज को ब्राउन भी कर देना है और गला भी देना है। तो एकदम सिंपल बनाएंगे, ताकि देसी चिकन है तो सब देसी स्टाइल से बना रहे हैं हम, ताकि इसमें जितने भी मसाले थे हमारे खड़े कूटे थे और लहसुन वगैरह कूटे थे, प्याज को भी इसी तरह से कटिंग किए थे। तो ज़्यादा मसाला नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इसमें हम डाल रहे हैं मीट मसाला, जो मुर्गा वाला मसाला होता है वो डाल रहे हैं सिर्फ हम।
आप और भी कुछ डाल सकते हैं ताकि हम सैंपल बना रहे हैं। जैसे हम लोग बाहर घूमते हैं, जब जाते हैं कहीं साइड पे काम करने के लिए, तो वहाँ पे सब कुछ मिल नहीं पाता, मिक्सर वगैरह, तो सब कूट कूट के बनाना पड़ता है, बेलन से गिलास में धरकर कूटना पड़ता है, तो उसी हिसाब से एकदम बना रहे हैं। ताकि कुछ कमेंट भी आया था कि जैसे कि हमारे कुछ भाई ट्रक पर रहते हैं तो वो भी ऐसे सैंपल बनाते हैं, उनके पास सिलेंडर भी रहता है, तो हम चूल्हा पीस के बना रहे हैं। कहीं कहीं चूल्हा की व्यवस्था हो जाता है, कहीं कहीं साइड पर जब जाते हैं तो लकड़ी कंडी और ईंटा भी बनाना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आज बना रहे हैं। ज़बरदस्त चिकन बना के दिखाएंगे आज हम, तो इसी तरह आप बनाएं। थोड़ा प्याज को पकाने में थोड़ा समय लगता है इसमें, क्योंकि प्याज पकने में करीब 10 मिनट लग जाता है, 10-12-15 मिनट तक हो जाता है। प्याज को बढ़िया से पकाएंगे हम, करीब 80% तक हम इसको पका देंगे प्याज को, तो 20% पकाएंगे चिकन के साथ में, क्योंकि चिकन हमारा देसी है, उसको भी भूजेंगे इसी प्याज में। इसको पहले प्याज को हम 80% तक पका लेते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे चिकन 80% होने के बाद। तो प्याज हमारा 80% करीब हो गया है, इसमें डालेंगे चिकन। चिकन देखिए लेग किस हिसाब से है, जैसे खसी का गोश्त है उस हिसाब से है। इसमें डालेंगे सब हम अपनी पीसेस को, तो ज़बरदस्त पीस है, एकदम लाल कलर का है ये, देखिए ऐसा। इसमें डाल के इसको भी भूजेंगे हम। इसको बढ़िया से भूजेंगे। अब इसको करीब हम भूजेंगे 10 मिनट, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद खड़ा लहसुन डालेंगे इसमें, तब मज़ा आएगा देसी स्टाइल। इसको प्याज के साथ में थोड़ा जो है प्याज और गरम मसाले में जब भूजेंगे तब इसका स्वाद आएगा खाने में। तो दोस्तों इसको बढ़िया भूजेंगे। अभी कलेजी हम रखे हैं इधर, तो कलेजी हम बाद में डालेंगे, ताकि अभी इसको हमको भूजना है चिकन को, तो देसी चिकन है टाइट रहता है, तो अगर हम कलेजी डाल देंगे तो कलेजी जो है इसमें फूट जाएगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसको जो है चिकन को 50% भूजेंगे, तो उसके बाद में जो है कलेजी डाल देंगे। और इसमें डाल देते हैं हम अपना लहसुन, रखे थे लहसुन 3 डालेंगे, अभी मज़ा आता है खाने में, और ठंडी का मौसम भी आ रहा है धीरे धीरे, तो लहसुन खाने में जाएगा। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो कूट के रखे थे ये भी सेम जाएगा। अब देखिए आवाज़ आने लगा बढ़िया पकने का, अब इसके साथ में ये भी पक जाएगा लहसुन लहसुन और अदरक वगैरह। अब इसको बढ़िया भूजेंगे, देखिए कितना बढ़िया आ रहा है कलर तुरंत। और इसको बढ़िया से भूजना है करीब 8-10 मिनट। भूज लिए प्याज साथ में, देखिए पानी भी बढ़िया छोड़ रहा है नीचे, ये इसको थोड़ा सा पानी और सुखवा देते हैं। तो इसमें टमाटर और डालेंगे जो मसाला पाउडर घोल के रखे थे, इसको एक मिनट और भूज लें थोड़ा पानी इसका और सूख जाए, फिर टमाटर डालेंगे। और इसमें डालेंगे 2 टमाटर लाल, थोड़ा बड़ा काटे हैं, ये टमाटर जब गलेगा ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा काटे हैं। और इसको भी जो है टमाटर भी भूजेंगे, खुशबू तो चालू हो गया, अभी पिसा मसाला डाले ही नहीं है। इसको भी थोड़ा टमाटर को भूज लेते हैं, और इसमें डालेंगे जो घोल बना के रखे थे पिसा मसाला, देखिए कितना बढ़िया फूल गया है एकदम, जैसे सिल पे पिसा गया हो। इसको हम करीब 1 घंटे से एक घंटा हो गया हमको ये मसाले को भेजे हुए, एकदम फूल गया है देखिए। अब ये जब भूजेगा तो और मज़ा आएगा, देखिए अब ये सब जाएगा इसमें बढ़िया से मसाले। थोड़ा सा पानी में घोल के डाल देंगे इसमें, अब मसाले को बढ़िया से भूजेंगे। अब एक बार चिकन भूज गया है, अब मसाले साथ चिकन भूजेंगे।
और पूरा जब मसाला हमारा तेल छोड़ने लगेगा तब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। थोड़ा समय लगेगा बनाने में, लेकिन देसी है। ये देखिए इसका लेग बहुत बड़ा है तो चलाने में बाहर आ जा रहा है। देखिए ये अब खुशबू आई और ज़बरदस्त। अब इसमें डालेंगे हम ये जो कलेजी रखे थे, अब मसाले के साथ इसको फ्राई करेंगे। ताकि अब सिर्फ मसाला ही पकाना है। वैसे धीमी आंच में बढ़िया से इसको पकाएंगे, उसके बाद लाते हैं इसमें पानी। वैसे पानी ले लेते हैं डालने के लिए, और इसमें डालेंगे नमक। तो ये ग्रेवी भी हम डालेंगे इसलिए जो है नमक ज़्यादा डाल रहे हैं, ताकि पानी भी डालेंगे, ताकि हम मुर्गा भाट खाते हैं नींबू मार के। अब नमक को बढ़िया से मिला लेते हैं और मसाला भी उसे पकता रहे। अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना है तो ऐसे पकाइए ढक के, ये पक जाएगा भी 20 मिनट में। ताकि हमको ग्रेवी बनाना है इसलिए जो है खोल के हम पका रहे हैं। अगर सूखा खाना है तो सूखा भी रेडी हो गया, इस तरह 10 मिनट पका दीजिए, सूखा भी रेडी हो जाएगा। हमको चावल से खाना है इसीलिए थोड़ा ग्रेवी बनाएंगे भूज के। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लेग पीस उठाते हैं दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लेग पीस तैयार हो गया है। इसे मसाला भी और भूजेंगे थोड़ा सा। नमक डालने के बाद पानी और भी छोड़ रहा है, देखिए। अभी कुछ प्याज जो बचा था वो भी अब पक रहा है, प्याज भी गल रहा है नमक डालने के बाद, और चिकन भी हमारा जो है पक रहा है। सब और भी पानी छोड़ रहा है, सब नमक डालने के बाद उसे सब पानी छोड़ देता है और पकना भी चालू हो जाता है नमक के बाद। ये देखिए एकदम सूखा सूखा भी रेडी हो रहा है। ये तो नमक डालने के बाद थोड़ा हाई आँच करना पड़ेगा, या गैस पे बना रहे हैं तो, या तो चूल्हा पे, चूल्हा की लकड़ी और लगाना पड़ेगा। इसको बढ़िया से भून लेते हैं और भी, ताकि ब्रॉयलर चिकन है नहीं कि जल्दी गल जाएगा, देसी है इसलिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए बढ़िया से भून रहे हैं अभी। एक को जो है एक भी पीस हमारी अभी हड्डी नहीं छोड़ा है, वैसे को वैसे पीस है एकदम टाइट टाइट, तो इसलिए बढ़िया से भून रहे हैं और मज़ा आएगा। फिर खसी का गोश्त हो गया या देसी मुर्गे का गोश्त हो गया, ये सब भूजने में थोड़ा समय लगता है, ताकि टाइट होता है, ये सीमापन होता है, इसमें सीजने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए बढ़िया से भूज रहे हैं। भूजते भूजते सीज भी जाए तो उसी हिसाब से ग्रेवी बनाए। फिर हमारा चिकन एकदम रेडी हो गया इधर, और इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। ये देखिए एकदम लटपट हो गया ये चिकन हमारा। ये देखिए मसाला भी एकदम पक गया, तेल भी मसाला छोड़ दिया, और चिकन भी अपने रंग पे आ गया अब। ये देखिए टमाटर जितना डाले थे सब गल गया, प्याज भी गल गया, लेग पीस हमारा इस रंग पे आ गया है, और इसमें चिकन हमारा पानी मांग रहा है। ये पानी डालो ग्रेवी बनाएं, एकदम सुखवा दिए सब पानी को, मसाला भी हमारा तेल छोड़ दिया। ये देखिए तेल आ गया इसमें अलछी में। ये देखिए कलर चेंज हो गया पूरा, देखिए लेग पीस वैसे वैसे है अभी। जब तक मसाला और चिकन एकदम तेल ना छोड़ दे भूजते भूजते, जब तक मज़ा नहीं आएगा खाने में। थोड़ा समय लगेगा बनाने में देसी चिकन को, अब तेल छोड़ दिया तभी मज़ा आएगा। देखिए तेल पूरा छोड़ दिया है, और इसमें हम डाल देते हैं पानी।
पानी डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से। और चिकन को भी पकाना है, अभी 50% चिकन हमारा पका है तो ग्रेवी हम डालेंगे इतना। तो इसको भी जो है देखिए अभी भी एकदम ग्रेवी हमारी टाइट है ये। तो इसको ढक के पकाएंगे हम, इसको छोड़ा देते हैं किनारे किनारे। ताकि अभी खाना नहीं है हमको, तो इसको जो है धीमी आंच पे हम आधा घंटा पकाएंगे, धीमी आंच पे एकदम, जैसे अभी धीमी आंच है इसी हिसाब से पकाएंगे। इसको ढक देते हैं हम लोग अभी अपना आराम से धीमी आंच में, जैसे दम बिरयानी बनती है उसी हिसाब से पकेगा। उसके बाद दिखाते हैं इसके अंदर निकलता क्या है, बहुत ज़बरदस्त निकलेगा इसके अंदर जो भी निकलेगा। तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, धीमी आंच लगाए हैं, आंच भी दिखाते हैं हम आपको कैसे आंच लगाए हैं, एकदम धीमी आंच लगा दिए हैं। देखिए एकदम धीमी आंच में हमारा चिकन पक रहा है, इसको पकाएंगे आधा घंटा। कितना पसीना हो गया ठंडे में चिकन बनाने में, तो चिकन हमारा एकदम बढ़िया पक रहा है इधर। इसको आधा घंटे के लिए हम छोड़ दिए हैं ताकि वीडियो बना रहे थे स्टैंड की मदद से, ताकि चलाने में बहुत समय लगता, फिर दोनों हाथ बिजी हो जाते बना ना पाते, स्टैंड लगा दिए थे और पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। तो थोड़ा मुँह धुलेंगे अब, ताकि जब से आए तब से जुटे ही हैं। तो आधा घंटा बाद हम दिखाते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, उसके बाद इसमें डालेंगे हरी धनिया और थोड़ा फिर जो है इसमें दम लगने के बाद फिर शुरू करेंगे खाने के लिए। तो मुँह धुल लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, कपड़ा चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको खोलते हैं, इसमें ला लिया धनिया काट के डालने के लिए। देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया अपना देसी चिकन, ये देखिए थोड़ा शाम भी हो गया बनाते बनाते। इसको छोड़ दिए थे, इसे आराम से पका था करीब आधा घंटा 30 मिनट। तो इसमें डालेंगे हरी धनिया। तो ग्रेवी कितना डाले थे, यहाँ तक ग्रेवी थी हमारी पक के एकदम सूखा हो गया है, ग्रेवी एकदम टाइट हो गया है। अब बना एकदम देसी चिकन, अभी भी देखिए लेग दिखाते हैं कितना जबरदस्त लेग पीस रेडी हो गया है। इसको जो है अब उतार के ले चलते हैं, रख देते हैं 10 मिनट, थोड़ा ठंडा हो जाए तब खाएंगे, ताकि गर्म बहुत ज़्यादा है। इसको ले चलते हैं अंदर अब हम ढक के। तो 10 मिनट ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद 10 मिनट बाद हम खाएंगे, थोड़ा इसमें जो है ग्रेवी सेट हो जाए तब खाएंगे। देखिए धनिया भी डाल दिया इसमें हम। दोस्तों आ गए अंदर, तो खोलते हैं इसमें देखते हैं, ज़बरदस्त ये देखिए एकदम ज़बरदस्त चिकन तैयार हो गया है। इधर प्याज भी काट लिए, नमक रख लिए और नींबू। तब निकालेंगे अपना चिकन, तो पहले पत्तल निकालते हैं, इसमें प्याज वगैरह रख लिए हैं। इसमें निकालेंगे पहले लेग पीस, देखिए देसी का लेग पीस ऐसे एकदम ज़बरदस्त निकलता है। और साथ में आ गया है अपना कलेजी, ये देखिए कलेजी भी एकदम भुज गया है, तो ज़बरदस्त एकदम सूख गया है, ताकि पकाए तो उस हिसाब से सूख जाए। दोस्तों चिकन निकाल लिए हैं, देखिए ज़बरदस्त लेबन में रख लिए हैं, एकदम टाइट माल बना है, देखिए ये ज़बरदस्त है। देखिए कितना ज़बरदस्त, थोड़ा रोटी लगाएंगे इसमें, ज़बरदस्त है। लेग पीस भी दिखाते हैं अभी, लेग पीस मस्त। मज़ा आया खाने में, बाकी लहसुन डाले थे
इसका भी स्वाद लेते हैं थोड़ा कैसा है। सबसे ज्यादा स्वाद तो लहसुन में है ना, सबसे ज्यादा स्वाद लहसुन में है, चिकन में भाई है ना, इसमें भी है। तो पूरा चूस लिए हैं और थोड़ा इसमें जो है लगाएंगे चावल में संगार के, तो चावल के साथ में थोड़ा खाएंगे।